नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा वेट लॉस के बारे में। जरूरत से ज्यादा वजन किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। मोटापा ना सिर्फ व्यक्ति की पर्सनैलिटी खराब करता है बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख देता है। ऐसे में इस समस्या से जूझ रहे कई लोगों के मन में यह ख्याल आना लाजमी है कि काश उनके पास कोई जादुई छड़ी हो और वो चंद दिनों में अपना कई किलो वजन कम कर लें। यूं तो वजन घटाने के लिए एक्सपर्ट्स कई तरह की डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं। ऐसी एक डाइट में कुकुम्बर डाइट का भी नाम शामिल है। दोस्तों, कुकुम्बर डाइट से 7 दिन में 7 kg वेट कम कैसे करें, इस चीज के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल करूंगा और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कुकुम्बर खीरा का इस्तेमाल करके आप अपना वजन 7 kg 7 दिन में कम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखकर आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और इस इंफॉर्मेशन का आप लोग फायदा उठाइए। तो देखते हैं दोस्तों, क्या है कुकुम्बर डाइट। कुकुम्बर डाइट क्या होता है? कुकुम्बर डाइट वजन कम करने में मदद करने वाली एक डाइट है। इस डाइट को फॉलो करने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि वे बड़े आसानी से 7 से 14 दिन के भीतर अपना 7 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। इस डाइट में खीरे की तुलना में अन्य फल और सब्जियों को न्यूनतम रखने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, इस डाइट में मुख्य रूप से खीरे के साथ कुछ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, चिकन, मछली और नट्स को भी शामिल किया जा सकता है। इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखिए, आप लोग सबसे पहले अपना वजन कीजिए, अपना वेट लीजिए कि आपका वेट कितना है। आप वेट अपना नोट डाउन कीजिए और उसी दिन से आप कुकुम्बर डाइट लेना शुरू कर दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कुकुम्बर डाइट के लिए दिशा निर्देश। कुकुम्बर डाइट कम कैसे करता है आपका वजन? जी हाँ दोस्तों, खीरा खाने से वजन कैसे कम हो सकता है? ज्यादातर लोग इस चीज को सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन आप लोग वीडियो के अंत में बने रहिए। इस वीडियो के अंत में आप लोग को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना वजन कुछ ही दिनों में काफी कम कर सकते हैं। कुकुम्बर डाइट फॉलो करने के दौरान ऐसा कोई मानक दिशा निर्देश या नियम नहीं होता है। इस डाइट को फॉलो करने वाले व्यक्ति को बस अपने अधिकांश भोजन में खीरा खाने की सलाह दी जाती है। इस डाइट के अनुसार व्यक्ति को जब कभी भूख लगे तो उसे ककड़ी का सेवन कर लेना चाहिए। चूंकि खीरे में कैलोरी कम होती है, आप जितनी चाहे उतनी मात्रा में खा सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि खीरे में प्रोटीन की मात्रा बेहद कम होती है, तो इस डाइट को रूटीन में शामिल करते समय व्यक्ति को खीरे के साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, लीन मीट, पनीर और नट्स को भी शामिल करना चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कुकुम्बर डाइट के फायदे, वजन कम करने में कितनी असरदार होती है कुकुम्बर डाइट, इस चीज को हम लोग बखूबी जानेंगे। कुकुम्बर डाइट में कैलोरी की मात्रा कम होने की वजह से यह व्यक्ति का कुछ समय के लिए तो वजन कम कर सकती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति दोबारा अपनी पुरानी डाइट को फॉलो करने लगता है, उसका वजन भी दोबारा बढ़ जाता है। ऐसा खासकर तब होता है जब व्यक्ति दोबारा अपने खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण खोकर अपनी डाइट में पोषण से जुड़ी चीजों को शामिल नहीं करता है। इसीलिए बढ़ते वजन को कंट्रोल या कम करने के साथ साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बनाए रखने के लिए विविधता से भरा आहार अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें हेल्दी वसा और लीन और पौधों से मिलने वाला प्रोटीन भी शामिल कर सकते हैं। कुकुम्बर डाइट से जुड़े सभी चीजों को मैंने इस वीडियो में बताया है। उस वीडियो में कुकुम्बर डाइट से होने वाले नुकसान के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और अगला पॉइंट है कुकुम्बर डाइट से नुकसान, यानी अगर आप कुकुम्बर डाइट कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। कुकुम्बर डाइट का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि खीरे में बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए पूर्ण नहीं होते हैं, और लंबे समय तक इस तरह के आहार को फॉलो करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ड्राई फ्रूट्स, हल्की मात्रा में आप लोग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ताकि जो भी आप पोषक खाने से नहीं ले पा रहे, जो भी कम पोषक आप खीरे से ले रहे हैं, उसका भरपाई कर सके। लेकिन हाँ, आपको फैटी चीजें नहीं खानी है। अगर पनीर भी खानी है तो नॉर्मल पनीर खानी है, मलाई पनीर का सेवन नहीं करना है। और आप लोग ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, नट आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा वीकनेस लग रही है तो आप क्या करें? हमें से ज्यादातर लोगों के सवाल रहते हैं कि अगर मेरी वीकनेस ज्यादा आ रही है मुझे कुकुम्बर डाइट लेने से, हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, कुकुम्बर डाइट से अगर आपको वीकनेस लग रही है तो आप रेड मीट, लेकिन हाँ, जो शुगर के पेशेंट हो, रेड मीट बिल्कुल ना खाएं। आप रेड मीट खा सकते हैं,
और वो भी उसमें आप बिना फैट का इस्तेमाल किए, जिसमें फैट ना लगा हो बिल्कुल वो मीट खाइए, वो आपको आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी को पूरा करेगा। या फिर आप ब्राउन ब्रेड के साथ सैलेड का इस्तेमाल रात में कर सकते हैं, जिससे आपकी वीकनेस जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपका कुकुम्बर डाइट बिल्कुल चलता रहेगा। इसके अलावा अपनी डाइट से भोजन को हटाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जिससे व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, थकान और यहाँ तक कि अवसाद जैसे भावनाएं भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, कभी भी आप पतले होने के लिए या मोटे होने के लिए पिल्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, यानी कभी भी कोई अंग्रेजी दवाएं ना खाएं, क्योंकि वो जितनी तेजी से आपका वजन घटाएगा या बढ़ाएगा, ठीक उतनी तरीके से आपका वजन बढ़ाएगा और घटाएगा भी। इसलिए आपको अगर हो सके तो आप जंक फूड या जिसमें ज़्यादा फैट हो उन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए, उन सब चीज़ों को अपने से दूर रखिए, ताकि आप जो भी खाना खाएं, जो भी चीज़ें खाएं, उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, फैट बिल्कुल कम हो, जिससे आपकी शरीर जल्दी ही पतली हो सके, जल्दी ही स्लिम हो सके। यानी अगर आप मोटे हैं तो आप पतले हो जाएं, और अगर आप पतले हैं तो आपका वेट BMI बॉडी मास इंडेक्स के बराबर आ जाए। दोस्तों, स्वस्थ वही होता है जिसका बॉडी मास इंडेक्स उसके वेट के हिसाब से होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताया हूँ जानकारी, वो बहुत सटीक, समयबद्ध और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करती है। हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुकुम्बर डाइट के हर पहलू को समझ रहे होंगे। दोस्तों, कुकुम्बर डाइट आप लोग लीजिए, अगर आपको ज़्यादा मोटापा है या ज़्यादा समस्या से ग्रसित है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए और उन्हीं के परामर्श के अंदर जो भी चीजें आपको लेनी हो लीजिए। दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।